तो जी हाँ गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आई होप सब लोग यार आप लोग बढ़िया होंगे। तो यार आज हम लोग खेलने जा रहे हैं गाइस COD में सोलो वर्सेस स्क्वाड, 1v4। जी हाँ गाइस, यार आपको पता ही है सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्या होता है, पर फिर भी यार जो लोग नए हैं ठीक है उनके लिए मैं बता दूँ। पहले तो नए लोग यार जो भी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि अभी तक सिर्फ 132 सब्सक्राइबर्स है, जो कि बहुत दिनों से है यार। मतलब अभी आगे भी तो बढ़ना है, हमें एक ही जगह पर थोड़ी रुक के रखना है। तो ओके यार, तो अभी मैं बता रहा था आपको कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्या होता है। सोलो वर्सेस स्क्वाड में होता है कि यार मैं अकेला होता हूँ और मेरे सामने होते हैं 4 बंदे। आई डोंट नो गाइस क्यों कैसे इस वीडियो में गेम का साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, शायद मैंने हेडफोन पहना था या क्या किया था जिस कारण ना गेम का साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब देखो आप यार, मैं उसको गोली मार रहा हूँ बट आवाज़ भी नहीं आ रही। मतलब समझ रहे हो गाइस आप लोग कि इस गेम में आपको सिर्फ या तो NCS और मेरी आवाज़ सुननी पड़ेगी, गेम की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी गाइस। लिटरली सॉरी यार, क्योंकि ये पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। पता नहीं क्यों हुआ, मैं फिर से एक बार चेक कर लूँगा गाइस बाद में अगले वीडियो से कि ऐसा ना हो कभी भी। तो यार हम लोग यहाँ पर आए हैं COD खेलने, तो यार चलिए शुरू करते हैं। तो यार गाइस आपको पता ही होगा यार सोलो वर्सेस स्क्वाड में यार मतलब मैं अकेला होता हूँ, जिसके कारण ना बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मैच होता है। अगर मेरे साथ कोई मेरा टीममेट है ठीक है, 4 बंदे और 3 बंदे हैं मेरे पास, तो यार वो लोग संभाल लेते हैं। बट अगर मैं अकेला हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इस बार क्लाउन लिया है जिसमें से ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं ठीक है। वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देंगे सामने वाले बंदे को डिस्टर्ब करने के लिए, अगर मेरे आसपास के बंदा है तो। यार मैं यहाँ पर उतर चुका हूँ न्यूक्लियर प्लांट के पास, क्योंकि हर बार यार मेरे को वहाँ पर लॉन्चर जो भी है और वहाँ पर उतरना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार वहाँ पर वैसे ही देखो मैं सोचता हूँ बहुत बंदे आएंगे बट कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते। तो यार यहाँ पर बहुत बंदे उतरे हैं यार, लिटरली बता रहा हूँ मैं इस जगह पर जहाँ पर अभी मैं उतरा हूँ, पूरी शायद एक स्पॉट तो उतरी ही है गाइस। तो इसलिए मैं थोड़ा एंड में उतरा था कि मेरे को थोड़ा सा लूट का समय भी मिल जाए, और फिर यार हम लोग बिना गन के ना मरे, क्योंकि यार बिना गन के ना बेइज्जती होती है यार। मतलब अगर गन लेके मरे तो हमें लगता है ओके यार मेरी गलती थी इसलिए मैं मरा, बट अगर बिना गन के मरे तो पता चला यार मतलब कुछ किया ही नहीं और यूं ही मर गए। चलो कोई बात नहीं गाइस, देखते हैं यार यहाँ पर कोई बंदा हमें मिलता है कि नहीं। और गाइस देखो यार, मैं जस्ट वहाँ से बाहर आया और एक बंदे की मौत, मतलब लिटरली बता रहा हूँ मेरे को कब की फुटप्रिंट्स आ रही थी उसमें, मतलब आवाज़ आ रही थी बट शायद आपको नहीं आ रही होगी गाइस, लिटरली बता रहा हूँ मैं यार फिर से सॉरी। ओके यार, तो मैं वहाँ से जस्ट बाहर निकला और मेरे को बंदे की फुट स्टेप्स आना शुरू हो गई थी, तो मैंने वहीं पर ज़ॉम्बीज़ को स्पॉन कर दिया ताकि यार वो लोग अपने आप संभाल ले। और गाइस मेरे को वो लोग ना रास्ता दिखाते कि कहाँ पर है बंदा आसपास में, अगर दूर होता है तो हमें पता चलता है कि वो वहाँ पर है, बट एकदम नज़दीक होता है ना तो वो गोल गोल घूमता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता वो कहाँ पर घूम रहा है। तो अगर हम ज़ॉम्बी स्पॉन कर देंगे, देखो एक और बंदा गाइस यहाँ पर, रुको यार पहले इसको ठोकने में। तो फाइनली यार एक और बंदे की लाश यहाँ पर, एक और बंदे की पेटी बनते हुए लिटरली मज़ा आ गया इस बंदे को तो मार के खटाखट। वो अंदर बेचारा घुसा ही था और कभी ख़त्म। ओके तो मैं बता रहा यार, वो ज़ॉम्बीज ना उस बंदे के पीछे जाएंगे और हमें रास्ता दिखा देते हो कि वो रहा बंदा, तो हमें पहले से पता चल जाता है कि वो वहाँ पर है। ओके तो गाइस यार देखते हैं यार यहाँ पर और बंदे हैं कि नहीं, क्योंकि जो भी होगा सबकी पेटी बनने वाली है आज गाइस। तो यार गाइस मैं यहाँ पर सेफ जोन में भी आ चुका हूँ, थोड़ी देर लग गई लेकिन थोड़ी देर तक मेरे को कोई बंदे भी नहीं मिले। कुछ 11-12 बंदे मर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें मेरे को अभी सिर्फ 2 बंदे को मैंने मारा है गाइस। तो अच्छी खासी नंबर है गाइस, मतलब बहुत ठीक है यार, स्टार्टिंग में हमें बंदे मिल गए जो कि अच्छी बात है। देखते हैं यार अभी कोई मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैं पहले सेफ जोन में आ चुका हूँ यार, न्यूक्लियर प्लांट के पास सेफ जोन नहीं था तो आना ही था। तो देखते हैं यार मेरे को कोई बंदा मिलता है कि नहीं, यहाँ पर मैं गोल गोल घूम रहा हूँ पहले तो यार। तो लेट्स सी, अगर कोई बंदा हुआ तो उसकी पेटी तो बनना पक्का है, मतलब वो बच तो पाएगा नहीं हमारे सामने का 100%, क्योंकि हम लोग मतलब भाई अलर्ट का ही, जिसमें अलर्टनेस की बात होती है, जो यार अलर्ट बंदा है और उसको पता है कि ओके यार यहाँ पर है तो हम उसको ठोक देंगे 100%। लेकिन अगर उसको हमसे पहले पता चल गया कि ओके मैं यहाँ पर हूँ तो वो हमें भी मार सकता है अगर वो प्रो है तो। तो देखते हैं यार यहाँ पर कोई बंदा है कि नहीं आसपास, क्योंकि शायद हो सकता है, क्योंकि यार सेफ जोन है तो न्यूक्लियर प्लांट से सभी लोग यहीं पर आए होंगे। तो यार यहाँ पर पानी के अंदर भी कोई होगा गाइस, हम लोग इसमें बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ना पानी के अंदर भी घुड़ी जाए। ओ एक मिनट यार मेरे को पड़ी, रुको यार मेरे को देखने तो कहाँ से पड़ी। ओके गाइस तो इसने मेरे को मारा, देखो हम लोग गाइस इसमें पानी के अंदर भी गोली चला सकते हैं। देखो जैसे कि मैं इसको मार रहा हूँ और अभी ये गया, मतलब भाई साहब इसने जरूरत कैसे की हमको मारने की यार। मतलब मैं मस्त तैर रहा था यहाँ पर पानी में, मैंने इसको कुछ बोला नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, फिर भी इसने हमको डिस्टर्ब किया यार, इसने हमको मारा। तो यार फिर इसकी पेटी बनना तो 100% की बात थी यार। तो यार इसी के साथ गाइस तीसरा किल हमारा, मतलब मैं बता रहा था इसमें पानी में मारना भी पॉसिबल है,
तो यार जो पबजी है और कोई गेम में नहीं है गाइज, पता नहीं क्यों, बट इसमें पानी में मार सकते हैं वैसे, लेकिन पानी में मारना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है गाइज, क्योंकि जो पानी है मतलब आप ट्राई करना कभी, या ट्राई करना क्या यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ट्राई कैसे करेंगे, बंदूक थोड़ी होगी आपके पास। तो यार YouTube में कोई वीडियो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा चलो डिस्क्रिप्शन में, जिसमें पानी में कोई बंदा पिस्तौल से गोली मारता है, बट वो वहीं पे बीच में रुक जाती है, जो कि खतरनाक बात है, मतलब पता नहीं इसमें कैसे मार सकते हैं। चलो यार वो सब साइंस को छोड़ो, साइड में एक और बंदा यहाँ पर मेरे को सामने दिख रहा है, उसमें मेरे को ठोकी एक दो, क्योंकि मैं यार साइड में रुक जाता हूँ, यहाँ पर स्कोप खोल लेते हैं, कहाँ गया। ओके गाइस ये रहा एक और चौथा किल गाइस, इसी के साथ हमारा चौथा किल, मतलब यार इंटेंस मैच हो रहा है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो यार इंटेंस मैच गाइस, इंटेंस मैच COD में इतने बड़े मैप में, क्योंकि बहुत मज़ा आ गया गाइस। यहाँ पर एक और बंदे की पेटी बंदे हुए यार, तो चार बंदे की सत गाइस हमने कर चुके हैं यहाँ पर, चार बंदों की पेटियाँ। तो गाइस यार यहाँ से मैं थोड़ा सा आया आगे, और मेरे को यहाँ पे फिर से फुटस्टेप सुने दे रहे, देखो यार मैंने एक तो ज़ॉम्बी स्पॉन कर दिया, जो कि यार दीवार से टकरा कर पीछे गए, और जो वो अच्छे के लिए, देखो यार ज़ॉम्बी ऊपर जा रहे हैं, मतलब देखो वो लोग मेरे को रास्ता दिखा रहे हैं, समझ रहे हो गाइस, मुझे पता नहीं चलता वो बंदा ऊपर है कि नीचे, बट इन्होंने मेरे को बता दिया ये बंदा ऊपर है, तो ये खुद आके मेरे को बता देते हैं ये बंदा ऊपर है, और इसी को हमने कर दिया नॉक। तो समझ रहे हो गाइस इस तरह से ज़ॉम्बीज को आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है यार। अगर मैं उस बंदे को ढूंढ रहा तो भी मेरे को पता नहीं चलता वो कहाँ पर है, और अगर मैं नीचे चला जाता हो सकता है वो मेरे को यार नेड करके मार सकता था इजीली। तो इसी के साथ यार मेरे को लग रहा है यहाँ पर एक और बंदा है, क्योंकि यार हो सकते हैं यहाँ पर बंदे, बहुत ही खतरनाक कंजेस्टेड जगह है यहाँ पर, तो यार नहीं है यहाँ पर, चलो कोई यहाँ पर नहीं है, तो देखते क्या होता है। आपने देखा गया ज़ॉम्बीज़ को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, ज़ॉम्बी स्पॉन जो भी है, क्लाउन उसका नाम है, तो आप वो लीजिए स्पेशल पावर में, तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर कोई बंदा मेरे को दिख तो नहीं रहा, देखते आगे क्या होता है गाइस। तो यार गाइस वहाँ पर मेरे को कोई बंदा दिख नहीं रहा था, यहाँ पर मेरे को बहुत बंदे दिख रहे हैं यार, लिटरली होस्ट देखो वो रहा। तो यार वहाँ पर से मैं आगे आ गया, क्योंकि यार आसपास मैंने देखा बट कोई बंदा आसपास नहीं था, तो क्या कर सकते हैं गाइस यहाँ पर। ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत बंदे हैं यार, यहाँ पर किसी का कुछ हेलीकॉप्टर भी टूट गया यार, देखो ये बंदा एक गया। ओके गाइस यहाँ पर एक बंदे की मौत यहाँ पर हो चुकी है यार, देखते हैं यहाँ पर एक और बंदा गाइस, दो तीन गाइस, तीन चार बंदों की मौत, तो यार हमारे 5 किल्स से सीधा 9 किल्स गाइस, ये क्या हुआ यार। एक और बंदा यहाँ पर, एक मिनट यार पहले उसको मार दो फिर बातें करेंगे। हो गया यार एक और बंदा, एक और गया गाइस यहाँ पर यार, चॉपर ओपी इन द चैट गाइस, चॉपर ओपी इन द चैट यार, एक और बंदा यहाँ पर है यार, मेरे को वो मार रहा है, रुको यार। इसके साथ गाइस हमारे जो कि 10 किल्स गाइस, एक और बंदा ये रहा, देखो भागे जा रहा है यार, वो यहाँ पर पीछे देख ले। ओके गाइस यहाँ पर वो मर चुका है, उसे नेड गया यार, थोड़ा दूर आ जाता हूँ मैं यहाँ पर पहले तो। ओके गाइस एक और बंदा यहाँ पर, इसी के साथ हमारे हो चुके 11 किल्स, मतलब होने वाले हैं, इसको हम मारेंगे तब, रुको है पहले मैं हील कर रहता हूँ आराम से, उसको बाद में मारेंगे यार। और बंदे यहाँ पर हो सकते हैं गाइस, और बंदे हो सकते हैं, मतलब आप समझ लो गाइस, इसके लिए लाइक कर दो गाइस, इंटेंस के लिए लाइक कर दो प्लीज़। अब देखो यार आसपास आपको सिर्फ बक्से ही नज़र आएंगे, सिर्फ क्रेट्स यार, मतलब पेटिया ही पेटिया आपको नजर आएगी, इतने बंदों की हमने बलि चढ़ा दिया यार यहाँ पर। प्लीज़ यार गाइस इसके लिए लाइक कर दो, प्लीज़ यार, हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस यार, लाइक कर दो यार, समझ रहे हो गाइस आप, किसी के साथ हमारे चुके 11 किल्स, इन 11 किल्स के लिए गाइस प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। गाइस थैंक यू सो मच यार गाइस, अगर आप लोग पूरा देखते हो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हो तो, और लाइक भी कर देना वीडियो को। कोई नहीं गाइस देखते हैं यार आगे क्या होता है, मतलब हम लोग अभी जीत पाते हैं कि नहीं यार, अगर अब हारे ना, मतलब अगर हम लोग सिर्फ टॉप 10 में भी नहीं आए, अगर टॉप 10 से नीचे आए, मतलब 15, 16, 17 ऐसे, तो यार मज़ा नहीं आएगा, मतलब यार 11 किल्स के साथ भी हम लोग जीत नहीं पाए, तो यार कोई बड़ी बात नहीं होगी वो, बंदे अभी देखते हैं यार आगे क्या होता है मतलब। तो यार गाइस मैं वहाँ से थोड़ा सा बस आ गया हूँ यार, यहाँ पर मेरे को बंदों की फुटप्रिंट्स नज़र आने लगी है यार, फिर से आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे को, सॉरी गाइस यार आपको अगर नहीं दे रही तो यार मेरे को माफ़ कर देना, फिर से मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ यार, थोड़े मैं वहाँ से थोड़ा सा आ गया और यार मेरे को देखो दिख रहे मैप में, और मेरे को सुनाई भी दे रहे। ओके यार ये गया बंदा गाइस, ये गया 100% यार, देखा आपने गया, मतलब यार मैंने गलती की थी उस ज़ॉम्बीज़ को स्पॉन करा के, सॉरी उसके लिए, बट यार वो मेरी गलती थी, कोई बात नहीं, होती है यार गलती, मेरे से तो होगी यार, और किससे होगी यार, इंसान से नहीं होगी तो। ओके यार इसी के साथ हमारे हो चुके 12 किल्स गाइस, मज़ा आ गया यार 12 किल्स करके। ओके यार यहाँ पर एक और बंदे की पेटी बन चुकी है ज़ॉम्बीज़ ने यार, उसे नॉक डाउन था, मैंने उसे नॉक किया था सिर्फ, और ज़ॉम्बीज़ ने उसे मार दिया, मतलब क्योंकि बहुत ही मस्त बात है। तो यहाँ पर और भी बंदे हो सकते हैं गाइस, देखते हैं यार, देखो यार सामने शूटिंग हो रही है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ उसको मारने यार, देखेंगे क्या होता है आगे यार, मतलब अभी तो सिर्फ पूरे के पूरे 36 लोग भाग, देखो ये रहा बंदा गाइस। ओके यार ये जाएगा बहुत अच्छे से, इसके यार ऑलरेडी ये एक गोली का था यार, ये सिर्फ एक गोली का था।
और मर चुका यार, ये आपने देखा यार। तो गाइज इसी के साथ हमारे हो चुके हैं 13 kills और अभी पूरे के पूरे 35 बंदे और अलाइव है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इसी घर में और बंदे आएंगे। एक और मेरे को फुटप्रिंट सुने दे रहे गाइज, ये रहा बंदा सामने। और रुको यार मैंने क्या किया, ओके यार अभी ये जाएगा। ओके यार आराम से बेटा, तू सहलाते मारूंगा तेरे को। तो इसी के साथ 14 kills, मतलब एक और बंदे की फुटप्रिंट। यार इंटेंसिटी क्या हो रहा है गाइज, सब लोग हमारे ही हाथों मरने आ रहे हैं क्या, मतलब सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ इनको। यार एक और ज़ॉम्बी स्पॉन कर देते यार, ये ज़ॉम्बी को ना डिस्टर्ब करते रहेंगे और हम यहाँ पे आराम से देखेंगे यार तमाशा। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। बहुत ही यहाँ पर एक बंदा तो है ऑफ कोर्स, देखो यार उसे मार रहे हैं और वो बेचारा बंदा एकदम परेशान हो गया उन ज़ॉम्बीज से। और ये ज़ॉम्बीज ना बहुत डैमेज देते हैं गाइस, लिटरली बहुत अच्छा खासा डैमेज देते हैं कि वो बंदा बेचारा मतलब वो मरने की हालत में तो आ ही जाएगा। फिर हम लोग उसे 2-3 गोली मारेंगे और वो ख़त्म। और यहाँ पर शूटिंग तो बहुत तेज़ हो रही है आसपास। सॉरी यार अगर आपको सुनाई नहीं दे रही आवाज़, बट अगले वीडियो से ये क्लियर हो जाएगा ये यार जो भी है, ठीक है मामला आवाज़ का। तो यहाँ पर शूटिंग हो रही है यार, देखते हैं क्या होता है। वो पूरे 15 kills गाइस, मतलब आप समझ रहे हो यार, इसमें तो हम जीतेंगे 110%, मेरे को विश्वास है जीत जाएंगे यार। मतलब पूरे 15 kills हो चुके हैं गाइस, लिटरली मज़ा आ गया यार। एक और बंदा गाइस सामने यहाँ पर, और ये 16 kill, मतलब ओपी यार इन द चैट यार, प्लीज़ यार दिख दो यार, चॉपर ओपी इन द चैट यार। चॉपर इज माई फेवरेट गन गाइस, मतलब जो गन है यार, मतलब लिटरली 16 kills भाई साहब। ये मेरे पूरे करियर में सीओडी के पहली बार हुआ ऐसा कि 16 kills हुए गाइस। देखते यार आगे कितने किल्स होते हैं गाइस। तो यार गाइस कुछ 30 बंदे बाकी थे और मेरे को उसके बाद एक भी बंदा नहीं मिला यार, मतलब थोड़ी देर तक तो कोई मिला ही नहीं मेरे को। तो यार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ पूरे सेफ जोन में, और मेरे को ऑफकोर्स यार बंदा दिख रहा है यहाँ पर देखो, और हो चुके हमारे 17 kills क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की मदद से हमने कर लिए यार। बहुत ही बढ़िया गेम चल रही है यहाँ पर, और हमारे हो चुके हैं पूरे 17 kills। अगर अब मैं हारा ना तो बता रहा हूँ कसम से यार, बहुत गुस्सा आएगा मेरे को, पता नहीं क्या करेंगे हम लोग। तो मेरे को कोई यहाँ पर आसपास दिख नहीं रहा, ऑफकोर्स होंगे, सिर्फ अभी 3 बंदे बाकी है यार, सिर्फ 3 बंदे गाइस, सिर्फ 3। उसमें से अगर दोनों की लड़ाई होगी और हमें सिर्फ एक को मारना पड़ा तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो देखते क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि अभी तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर आसपास, और एक तो मैं ओपन में घूम रहा हूँ यार, कोई कवर भी अच्छा नहीं है यार यहाँ पर, है कवर बट कोई पीछे से मार दे तो क्या फ़ायदा कवर का। यार आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी सीओडी की, सॉरी गाइस उसके लिए। यार यहाँ पर मैंने कर दिया ज़ॉम्बी स्पॉन, देखते यार वो लोग कहाँ पर जाते हैं। वहीं पर होगा कोई बंदा, और वहाँ पर सामने मेरे को गाइस एक बंदा दिख रहा है और उसको लेटाते हुए हम लोग, ये क्या हुआ, और गाइस ये क्या था यार, ये लैग हो गई गेम एक तो, और ये क्या हो रहा है यार, मतलब लिटरली यार उसके पास Arctic 50 स्नाइपर थी तो कुछ भी करेगा वो यार। ये थोड़ी होता है गाइस, ये चीटिंग थी यार हमारे साथ चीटिंग हुई है यार, ये मैं हारा नहीं हूँ यार। यार उसके पास स्नाइपर थी, मेरे को पता नहीं था, अगर ये उसके पास कोई AR ऐसी गन होती ना तो यार वो मर चुका था। आपने देखा हमने कितनी गोली मारी उसको, मिनिमम 10 गोली मारी उसको, और वो सिर्फ 2-3 गोली का और था, और मर ही जाता हमारे हाथों। एक तो लैक हो गई गेम, कुछ हो भी नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है यार ज़िंदगी में। तो हम लोग मर चुके Arctic 50 से, उसके पास स्नाइपर थी मेरे को पता नहीं था, बट जो 18 kills किए, 18 या 17 मेरे को याद नहीं है, 17 kills जो किए गए, उसके लिए लाइक कर दो फटाफट से लाइक कर दो गाइज। और सी यू हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, वो लाल वाला बटन दबा देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है, बाय बाय गाइज़।